हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू ऑन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहां पर बीएड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आंसर के साथ में डिस्कस कर रहे हैं, और इससे पहले मैंने बीएड के नॉलेज एंड करिकुलम के वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, और उसके अलावा क्रैश कोर्स भी मैंने डिस्कस किया है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर सारे वीडियोज़ नहीं प्रोवाइड हो पाए हैं, मैं वन बाई वन सारे ही वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन इसके लिए शर्त ये भी है कि आपको भी सीरियस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियोज़ जो है 15 से 20 बच्चे देखते हैं तो तरह से सीरियसनेस नहीं आती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सीरियस होकर पढ़ाई करें, क्योंकि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और ये आपका लास्ट ईयर है, यहीं पर चांस है कि आप जितना बेस्ट नंबर गेन कर सकते हो, यहां पर ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो मैं यहां पर आज जो डिस्कस करूंगा, ये देख सकते हैं यहां पर रिसेंटली जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आपको इस बात का पूरी तरीके से अंदाजा है कि हमारा जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अभी आपने 21 में ही एग्जाम दिया हुआ है फर्स्ट ईयर का, तो उसमें आपने देखा होगा कि 40 से 60% क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझें। मैं यहां पर पूरी तरीके से ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अपने तरीके से भी इसमें लिख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पेपर होगा BCCI 9, जिसे हम क्या बोलेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलेंगे, है ना। 80 नंबर रहेगा, उसी तरीके से 36 आपके पासिंग मार्क्स रहेंगे, और टाइम जो होगा आपका 3 घंटे का रहेगा। इतना समझ में आ गया। अब डिस्कस करते हैं कि इसमें क्वेश्चंस आपको किस तरीके से लिखना है कि 110% आपको 80 में से 80 ही नंबर मिले। शुरू करते हैं। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, ये कहते हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट एंड डिस्कस द जनरल स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, इसका मतलब समझिए कि इनका कहने का क्या मतलब है। स्टेप वाइज हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डिस्कस करना है कि टेस्ट होता क्या है। टेस्ट के बारे में अगर मैं बोलूँ तो टेस्ट आर द टूल्स विच मेजर द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेनी। ठीक है, ऑफ द ट्रेनी क्या मतलब हुआ कि टेस्ट का मतलब होता है कि ये एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, नापते हैं किसको, क्वालिटी को, क्वांटिटी को, परफॉर्मेंस को, यानी कि बच्चे के परफॉर्मेंस को हम नापते हैं। टेस्ट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर मेजरिंग, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है ये मेजर करने का, एंड इंडिविजुअल्स बिहेवियर, और बिहेवियर जो बच्चे का होता है उसको भी मेजर करते हैं। इट इज अ फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक वे ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। इस तरीके से हम सारे इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं जो बच्चे में डेवलप हो रहा होता है अबाउट लर्नर्स बिहेवियर यूजुअली थ्रू पेपर एंड पेंसिल प्रोसीजर। क्या मतलब हुआ, टेस्ट समझ में आ गया। सबसे पहले ऐसे ही डेफिनेशन आपको टेस्ट के बारे में बताना है कि टेस्ट क्या होता है। जनरली टेस्ट उसको कहते हैं जिसके माध्यम से हम बच्चे की हर तरह की एबिलिटी को, प्रोग्रेस को जांच सके, उसको टेस्ट कहते हैं। अब इसने जो है दूसरा पॉइंट पूछा हुआ है, स्टेप ऑफ टेस्ट भी कह रहे हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ टेस्ट। ठीक है, 3 पॉइंट पूछा हुआ है, टेस्ट का डेफिनेशन बताना है, अब काइंड्स ऑफ डेफिनेशन को बताना है, काइंड्स ऑफ टेस्ट। तो काइंड्स ऑफ टेस्ट की अगर बात करेंगे तो मैं यहाँ पर तो मैं अच्छे से डिस्कस नहीं कर सकता, बट मैं आपको बोर्ड पर भी समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं गाइड कर देता हूँ। देखिए, टाइप्स ऑफ टेस्ट की बात करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तीसरा हो जाएगा अचीवमेंट टेस्ट, चौथा हो जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट, और पांचवा हो जाएगा प्लेसमेंट टेस्ट, और छठा हो जाएगा आपका पर्सनालिटी टेस्ट, और सातवां जो होगा वो होगा आपका इंटेलिजेंस टेस्ट। यानी कि ये 7 तरीके के आपके टेस्ट होते हैं, इस तरीके से आप लिख देंगे। ये जो है 2 पॉइंट आपने कंप्लीट कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि स्टेप्स कौन कौन से अपनाए जाएंगे, जिन स्टेप्स के माध्यम से आप टेस्ट करेंगे वो कौन कौन से स्टेप्स होंगे। तो पहला स्टेप हो जाएगा आपका प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, समझे, पहला स्टेप क्या हो जाएगा, प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। दूसरा हो जाएगा आइटम राइटिंग, यानी कि जो भी आपने प्लान किया उनको लिखना। ठीक है, उसके बाद में आपका हो जाएगा प्रीलिमिनरी, क्या कहते हैं कि ट्राई आउट हो जाएगा आपका। उसके बाद हो जाएगा रिलायबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, वैलिडिटी टेस्ट हो जाएगा, है ना, नॉर्म्स ऑफ द टेस्ट हो जाएगा, है ना, प्रिपरेशन ऑफ द नॉर्म्स। ये सारे जो है क्या हो जाएंगे, आपके स्टेप्स हो जाएंगे जिसके माध्यम से आप अपने टेस्ट को बेहतर बना सकते हैं, और जो इन्होंने यहाँ पर पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ के साथ में मैं आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊं, और बोर्ड पर भी मैं वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन रही होगी। तो मुझे समझ में आता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जा रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन है ये कह रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम आपको समझाते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि डिस्क्राइब चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीसी। एनपीसी का मतलब होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। क्या मतलब होता है? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है। देखियो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप अगर इस क्वेश्चन को समझ पाओगे तभी इसे कर पाओगे, क्योंकि यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये आपका किस में से है? स्टैटिक्स में से है। यानी कि जो जिनका मैथमेटिक्स अच्छा होगा वही बच्चे इस बात को कर पाएंगे। ठीक है, इसको आप मैं समझाता हूं, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं। देखिए, इकोनॉमिकली जो बच्चे होंगे इकोनॉमिक्स से पढ़ के आए हैं उसको समझ में आता होगा। देखिए, आपका जो सोसाइटी होता है तीन भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? तीन भागों में। और वो कैसे कैसे होते हैं? पहला होता है कि आपका अपर भाग होता है, एक दूसरा मिडिल भाग होता है, और तीसरा क्या होता है? लोअर भाग होता है। यानी कि अपर में क्या है? बहुत रिच पर्सन होते हैं, है ना। मिडिल में कौन होते हैं? जो बहुत रिच और बहुत ज्यादा पुअर भी नहीं होते। और लास्ट में क्या होता है आपका? क्या कहते हैं, मिडिल लोअर होता है लास्ट में, जो बहुत ज्यादा पुअर होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि यहां पर जो बच्चे होंगे, यहां पर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का मतलब ये होता है, यानी कि जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ज्यादातर लोग कहां पर मिलते हैं? ज्यादातर लोग आपको मिडिल में मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा देखो मेजोरिटी ऑफ लोगों की मेजोरिटी ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारे लोग जो है मालदार है, रिच पर्सन है, और बहुत सारे लोग जो है पुअर पर्सन, ऐसा नहीं होता है। कहां पर देखने के लिए मिलता है? ज्यादा लोग कहां देखने के लिए मिलेंगे? ज्यादा लोग हमें एवरेज में यानी कि मिडिल क्लास में देखने के लिए मिलेंगे। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है ना, तो उस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बोलते हैं। एक एग्जांपल से और समझो। सपोज दैट कि आपका जो एग्जाम होता है 100 नंबर में से जब एग्जाम होते हैं तो उसमें क्या होता है कि 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉप करते हैं, और 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत लो नंबर लाते हैं। उनका कितना? 55% बनेगा, 60% बनेगा। लेकिन जो मिडिल में होता है वो उसमें ज्यादा लोग होते हैं। ठीक है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि यहां जहां पर ऐसी कंडीशन लागू होता है ना, जहां पर एवरेज की तरफ चीजें झुकी हुई होती है ना, वहां पर हम उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बोलेंगे। ठीक है, अब जो है इसमें इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह होता है कि जब, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ना आपको कि टॉप लोग टॉप करने वाले और जो क्या कहते हैं कि एक एवरेज में रहने वाले और एक बच्चे कौन, और दूसरा कंडीशन कौन सा होता है? जो बिल्कुल बहुत कम नंबर लाने वाले। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल मैंने दिया था कि हमारे जो सोसाइटी में लोग हैं वो क्या है, एक रिच है ना, एक मिडिल क्लास का है, और दूसरा जो है पुअर पर्सन है। तो जो अगर अगर जो है रिच पर्सन और पुअर पर्सन एक ही लेवल के होंगे, यानी कि अगर रिच पर्सन 5% है और पुअर पर्सन भी 5% है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर इसके अकॉर्डिंग कोई क्वायरीज है तो बोर्ड पर अच्छे से समझाऊंगा, वहां पर ये चीज़ आप अच्छे से समझ पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन असेसमेंट एंड एवलुएशन, राइट इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, असेसमेंट को बताना है और एवलुएशन को बताना है। असेसमेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? असेसमेंट का मतलब होता है आकलन करना, और एवलुएशन का क्या मतलब होता है? मूल्यांकन करना। इसके प्रोसेस से अगर मैं आपको बताऊं कि असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिव्यूइंग एंड यूजिंग डाटा फॉर द पर्पज ऑफ इंप्रूवमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। क्या मतलब है? असेसमेंट वो चीज होती है जिसके माध्यम से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, और उसके यूज करके इस पर्पस से कि बच्चा कितना लर्निंग प्रोग्रेस कर रहा है, इस चीज को हम यहां पर चेक करते हैं। ठीक है ना। तो अब जो है इसके बाद आपको एवोल्यूशन को बताना है। तो एवोल्यूशन को क्या कहेंगे? कि एवोल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज एन एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट एंड द बेसिक ऑफ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, इट इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये क्या होता है? टोटली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। अब दोनों का जो है ना डिफरेंस समझो आप, फिर जाकर के अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस को समझो। देखो, असेसमेंट क्या होता है ना, असेसमेंट का मतलब होता है कि जहां पर आप हर एस्पेक्ट से, यानी कि हर तरीके से असेसमेंट में हर चीजों को हम इंक्लूड कर देते हैं। टीचर है, स्कूल के एनवायरमेंट है, पेरेंट्स है, या बच्चे के जो जितने भी इन्वॉल्वमेंट है ना, सारी चीजों को हम क्या करते हैं वहां पर असेसमेंट में चेक कर रहे होते हैं, है ना। उसके प्रोसेसिंग को हम देख रहे होते हैं कि बच्चा कितना डेवलप कर रहा है, किन चीजों को सीख रहा है और किन चीजों की सीखने की जरूरत है, ऐसी ऐसी चीजें हम क्या करते हैं असेसमेंट में देखते हैं। लेकिन जब उसका जजमेंट की बात आती है कि ठीक है बच्चा जो है टॉप लेवल तक नहीं पहुंचा है, जब उसको जो है मार्क्स या फिर रिजल्ट देने की बात आती है, तो वो हम कहां पर बात करते हैं?
इवेल्युएशन में बात करते हैं। कुल मिला के यहाँ पर जो है हम देखते हैं, चेक करते हैं कितना प्रोग्रेस हो रहा है और यहाँ पर आकर के उसको रिजल्ट दे देते हैं कि आपने इतना नंबर पाया। उसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा चौथा क्वेश्चन, यहाँ देख सकते हैं, डिस्कस इन डिटेल द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग टूल। यानी कि हम जब भी मेजर करते हैं, एवेल्युएशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं, तोलते हैं, तो उसमें जो है गुड मेजरिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं उनको आपको बताना है। देखो पहला जो हो जाएगा आपका वैलिडिटी, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा वैलिडिटी यानी कि वैधता। अब किसी ऐसे टॉपिक को उठाएंगे, कुछ ऐसी टॉपिक चीजों पे डिस्कस करेंगे जिसकी वैधता हो, वैलिडिटी हो, ऐसा नहीं हो कि उसकी वैलिडिटी नहीं है, आज है उस पर बात कर रहे हैं कल उस पर नहीं है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, यानी कि जो चीज आप जो है रिसर्च कर रहे हैं या फिर जिस पर भी आप इवेल्युएशन कर रहे हैं उस पर विश्वसनीयता बनी रहे यानी कि रिलायबिलिटी बनी रहे। उसके बाद तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो चीजें रिजल्ट निकल रहे, वस्तुनिष्ठता का मतलब है सपोज दैट कि मैंने एक बच्चे की कॉपी चेक की और उसी बच्चे की कॉपी जो है दूसरे टीचर ने चेक की, तो क्या पता चला कि मैंने उसको कितने 80 नंबर दिए और दूसरे टीचर ने उसमें कितने नंबर दिए 40 नंबर दिए। तो ये जो है ना इसमें विश्वसनीयता नहीं है, तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पर विश्वसनीयता भी बना करके रखना है। उसके बाद होता है आपका डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेदता, यानी कि ये जो बांट भी देंगे जो भी टॉपिक आपने उठाया इवोल्यूशन के लिए उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे तो भी उसमें जो है चीजें रहेगी। पांचवा पॉइंट हो जाएगा आपका नॉर्म्स यानी कि मापन। मापने का जो एक तरीका होगा वो हमेशा से हर दौर में एक ही तरीके से वो उसको फॉलो किया जाएगा, तो ये जो चीज है आप इस माध्यम से अपने टूल्स को गुड बना सकते हैं ना। उसके अलावा प्लानिंग करना और भी चीजें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। पांचवा क्वेश्चन है यहां पर, देखिए व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट of learning and assessment, assessment of for learning and assessment of learning। देखो इसमें दो पार्ट है भाई, इसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ना, assessment for learning and assessment of learning। assessment for learning का क्या मतलब हो जाएगा, अधिगम के लिए, ठीक है, अधिगम के लिए आकलन, और assessment of learning क्या हो जाएगा, अधिगम का आकलन, ठीक है ना। तो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है ना, अब इसको समझो। असेसमेंट मैंने आपको समझा दिया कि वो क्या है, एक तरीके का टूल है जिसके माध्यम से हम किसी चीज को जांचते हैं, नापते हैं, एवलुएट करते हैं। अब जो है अधिगम के लिए आकलन का क्या मतलब होता है, अधिगम के लिए आकलन का मतलब ये होता है कि जब बच्चा कोई चीज सीख रहा है उसी सीख रहे के दरमियान में यानी कि बीच में जितनी चीजों को हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसी को हम बोलते हैं अधिगम के लिए आकलन। अब बात आती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का जो मतलब होता है यहाँ पर जो है बच्चे को जजमेंट करना शुरू कर दिया जाता है कि यहाँ पर जो है बच्चा इतना ज्यादा डेवलप कर चुका है, यहाँ पर जो है एक तरीके से रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ प्रोसेस कर रहे हैं कि बच्चा क्या क्या सीखने के दरमियान में और क्या क्या जरूरत है और कैसे डेवलप कर सकता है और क्या क्या चीजें इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हम रिजल्ट दे देते हैं कि बच्चा जो है पास मार्क्स से इतना पीछे है, बच्चा जो है इतना और ज्यादा पढ़ेगा तो टॉप कर सकता है। यहाँ पर हम लोग जो है अच्छा और बुरा बताने लगते हैं कि नहीं बच्चे ने अच्छा किया, नहीं बच्चे ने बहुत नहीं किया, ये चीज इसमें लिखा जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। छठे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि डिस्कस असाइनमेंट प्रोजेक्ट एंड परफॉर्मेंस एज एन असेसमेंट टूल। मैंने बताया था आपको कि असेसमेंट टूल बहुत सारे होते हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों की क्या करते हैं, उसकी एबिलिटी को, उसकी वैधता को, उसकी क्वालिटीज को, उसकी कैपेबिलिटी को जांचते हैं, चाहे वो क्या हो, पेपर पेंसिल टेस्ट हो, चाहे वो क्या हो, क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो, परफॉर्मेंस टेस्ट हो, अचीवमेंट टेस्ट हो, ये बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन आपको यहाँ क्या बताना है, आपको बताना है कि असाइनमेंट के थ्रू से, प्रोजेक्ट के थ्रू से, परफॉर्मेंस के थ्रू से, ये एक टूल है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चे की एबिलिटी को जांच सकते हैं, है ना, बच्चे की एबिलिटी को जांच सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज दैट असाइनमेंट को बताएंगे कि असाइनमेंट क्या होता है, किस तरीके से किसी टॉपिक पे असाइनमेंट दिया जाता है, उसको समरी के अकॉर्डिंग उस असाइनमेंट में लिखा जाता है। प्रोजेक्ट कोई मैटर है, कोई डिस्कशन है, उसमें आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया आपने, उस प्रोजेक्ट विधि को अपना करके, और उसी तरीके से आपका परफॉर्मेंस यानी कि आप कोई चीज या फिर कोई एबिलिटी या फिर कोई टॉपिक दे दिया जाता है और आपको उस पे परफॉर्मेंस करना होता है और उस परफॉर्मेंस के माध्यम से आपको टेस्ट में नंबर मिलते हैं। जैसे कि आपका बीएड का पेपर होता है ना, उसके अलावा भी जब एमएड करोगे या फिर और बड़ी यूनिवर्सिटी से आप क्या कहते हैं पीएचडी करोगे तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, वहां पर जो है असाइनमेंट भी लिखते हो आप, उसके बाद जो है आपको क्या है प्रोजेक्ट भी बना करके सबमिट करते हो, और उसके अलावा परफॉर्मेंस यानी कि जो असाइनमेंट आप
आपने लिखा, जो प्रोजेक्ट आपने बनाया, उसको आप परफॉर्मेंस करके दिखाओ सारे टीचरों के बीच में कि ये इस तरीके से था, मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया, ये इस वजह से हुआ। ऐसी चीजें जब आप परफॉर्मेंस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ टूल हो जाएगा। इस मेजर के माध्यम से वो जितने भी प्रोफेसर बैठे होंगे वो आपको मेजर कर पाएंगे कि बच्चे में कितनी एबिलिटी है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, ये कह रहा है कि कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये देखो, ये जो है ना आपका, ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो है स्टैटिक में से क्वेश्चन है, और इस चीज को मैं अगर कितना भी डिस्कस कर लूं आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक कि मैं आपको बोर्ड पे नहीं समझाऊंगा। मीन, मीडियन, मोड, इसको आपको समझ के जाना है। अदरवाइज आपने नहीं भी इसको समझा है तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। ये बच्चे, उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है जो बच्चे जो है मैथमेटिक्स की पोर्शन की तरफ से है, मैथमेटिक्स जिनका बहुत अच्छा है वो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसको किसी को समझना हो तो मैं बोर्ड पे अच्छे समझाऊंगा, यहां पर बहुत टाइम टेकिंग होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, यहां पर देख सकते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ आईसीटी इन इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन। देखो बच्चे, सबसे पहले तो आप समझो कि यहाँ पर इसका क्या मतलब है, किसको समझना है। यहाँ पर जो है आईसीटी, ठीक है, आईसीटी जो है उसका क्या मतलब है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है इसका मतलब। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो एग्जाम का रोल है वो, उस रोल को आईसीटी ने, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने इंप्रूव कर दिया है और उसकी क्वालिटी को भी इंप्रूव कर दिया है। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने के लिए आपको किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही किसी टीचर को भी जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये क्वेश्चन आप बैठे बिठाए ही 10 पेज आराम से लिख सकते हो। अब आप देखते हो, मैं बताता हूँ कैसे लिख सकते हो। देखो हुआ क्या कि बहुत टाइम से ऐसे ही चल रहे थे हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम था, है ना, हम जाके फॉर्म भरते थे, हम जा करके बहुत सारी चीज़ें करते, लेकिन अब जो है जब डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन डेवलप हुआ, तो उसके बाद आप देखे होंगे कि ऑनलाइन क्या करते हैं, हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ऑनलाइन, फॉर्म भरते ऑनलाइन, क्वेश्चन आंसर भी करते हैं ऑनलाइन, जो है हम क्लासेस भी करते हैं। इवन कि आप जो हमारी क्लास कर रहे हो ये किसका देन है, ये आईसीटी का देन है। तो कहने का क्या मतलब है कि हमारे एग्जामिनेशन, हमारी हर चीज़, हर तरह की चीज़ों में हमारी क्वालिटी प्रोवाइड किया है, किसने प्रोवाइड किया है क्वालिटी, ये प्रोवाइड किया है आईसीटी ने। हमारे एग्जाम बेहतर क्यों हो रहे हैं, हमारे एग्जाम ऑनलाइन कौन करवा रहा है, ये सिर्फ आईसीटी के माध्यम से हम लोग कर पा रहे हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो होगा हमारा यहां देख सकते हैं आप। सॉरी, ये देखिए यहाँ पर सेक्शन बी रहेगा, है ना, यहाँ पर हमें जो है शॉर्ट नोट से लिखना है। ये कह रहा है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, ठीक है, कोई 4 क्वेश्चंस आपको देना है और यहाँ पर क्या होगा आपका शॉर्ट्स में लिखना है, ठीक है ना, शॉर्ट रहेगा आपका आंसर। यहाँ देखिए थिंकिंग स्किल, ये कह रहे हैं कि थिंकिंग स्किल से आप क्या समझते हैं उसको बताइए। थिंकिंग स्किल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो थिंकिंग स्किल क्या है, एबिलिटी टू बीइंग एबल टू कंपेयर, क्लासिफाई एंड डिफरेंशिएट, डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस, एवेल्युएशन, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि थिंकिंग वो होती है जिसके माध्यम से हम एक एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हम अपने अंदर में एबिलिटी क्या करते हैं, गेन करते हैं, जहां से हम क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें, क्लासिफाई कर सकें, डिसीजन मेकिंग कर सकें, है ना, उसके बाद जो है डिफरेंशिएट कर सकें किसी चीज़ में, एनालिसिस कर सकें और एवोल्यूशन कर सकें। किसके माध्यम से, हम स्किल के माध्यम से ही करते हैं, ठीक है ना। अगर स्किल के टाइप की बात करें तो अब बहुत सारे स्किल है जिसमें से आप लिख सकते हो, कन्वर्जेंट स्किल होता है, डाइवर्जेंट स्किल होता है, इस तरह से आप जो है अपना आंसर लिख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, ठीक है ना, गुड टेस्ट का करैक्टरिस्टिक आपका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जैसे मैंने पहले बताया है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए, वैलिडिटी हो जाएगा, रिलायबिलिटी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, नॉर्म्स हो जाएगा, प्लानिंग हो जाएगा, ये सारी चीजें जिसमें पाया जाएगा उसको क्या मानेंगे हम, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट मानेंगे। उसके बाद होता है आपका लर्नर प्रोफाइल। देखिए, प्रोफाइल मैंने आपको बताया था कि एक स्टूडेंट है जिसके बारे में हम एक पूरा का पूरा प्रोफाइल बनाते हैं, एक कॉपी बनाते हैं जिसमें हम उसका इंटरव्यू लेते हैं कि बच्चे में स्टार्टिंग में क्या था और अभी किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, बच्चे में क्या क्या बीता, बच्चे ने क्या क्या सीखा, बच्चे में क्या और जरूरत है। तो ये सारी चीजें हम बच्चों से पूछ करके या फिर उसको ऑब्जर्व करके हम उस प्रोफाइल में उसकी सारी चीजें लिख रहे होते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, लर्नर प्रोफाइल। ये इजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है समझने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये कह रहा है कि कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवोल्यूशन, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवोल्यूशन, इसको क्या कहेंगे हिंदी में, इसको हिंदी में कहेंगे सतत एवं व्यापक क्या कहते हैं कि मूल्यांकन, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसको इसको समझिए कि इसका क्या मतलब है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये देखिए, कॉन्टिन्यूअस कंप्रिहेंसिव एवोल्यूशन, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इसको शॉर्ट में बोलेंगे CCE, ठीक है,
कॉन्टिन्यूस कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। अब इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ मैं। एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने 1986 में है ना ये कहा था कि हमारा जो है एजुकेशन या फिर एवोल्यूशन जो है वो हमारा कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और कम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में हमारा एवोल्यूशन कॉन्टिन्यूस नहीं होता था। हम किसी लर्निंग के पोर्शन को चेक कर लेते थे, बच्चे की हर तरह की एबिलिटी को चेक नहीं करते थे। तो क्या हुआ, एजुकेशन विभाग ने एनपीई के थ्रू से ये कहा कि हमारा जो एवोल्यूशन है वो कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। तब जाकर के इसको सीबीएसई ने, किसने, सीबीएसई ने इसको लागू किया, सीबीएसई ने। और उसके बाद से यहां पर क्या होने लगा, कि हम जो है किसी भी चीज को पूरी तरीके से हर एस्पेक्ट से जो है मूल्यांकन करने लग गए, इसका डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो सीसीई यानी कि कॉन्टिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन रेफर टू अ सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड एवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स दैट कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट। क्या कहा मैंने, कहा था ना कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट हम स्टूडेंट को देखने लग जाते हैं। तो ये भी आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहे हैं असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, हम अपने परफॉर्मेंस को कैसे असेसमेंट कर सकते हैं, ये बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। इससे पहले भी मैंने आपको असेसमेंट को समझाया। अब बात आती है क्वेश्चन बैंक। देखिए क्वेश्चन बैंक भी एक जो है आपको आपके आकलन का एक तरीका है ना, आपके मूल्यांकन का एक तरीका है। यानी कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन के स्टोरेज दे दिए जाते हैं जिसके माध्यम से आपको ये कहा जाता है कि आपने कितना पहले से सीखा और कितनी चीज़ों को आप यहाँ पर बता सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें देखा जाता है। आई होप कि ये सेक्शन भी आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो सी सेक्शन है। इसमें देखेंगे 10 क्वेश्चन रहेगा और ये जो 10 क्वेश्चन है कौन से हैं, ये 10 सारे क्वेश्चन जो है ये आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है रूट मीन स्क्वायर है ना डाइवर्जन इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ये कहने का मतलब है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन भी कहते हैं, मानक मिलान भी कहते हैं, ठीक है ना, मानक ठीक है स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं इसको। अब जो है बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्वार्टाइल इज ऑल्सो द मीडियन, ठीक है। ये मैंने कहा ना ये जिन्होंने स्टैटिक्स के क्वेश्चन अच्छे से किए हुए हैं वो बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। हितियक कहा जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ में, यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी जो यहाँ पर कुछ बच्चे ने यहाँ लिख दिया तो इसको आप भी लिख सकते हो, ठीक है। इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, वही स्टैंडर्ड डिविएशन भी कहा जाता है इसको। या और दूसरा जो पूछा हुआ यहाँ देख सकते हैं फुल फॉर्म ऑफ, ये देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है फुल फॉर्म ऑफ CBCS, फुल फॉर्म ऑफ CBCS को इन्होंने पूछा हुआ है कि CBCS का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा। तो CBCS का फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट हो जाएगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखते हैं। देखिए परसेंटाइल जो होता है इज इक्वल टू मीडियन कितना होता है 58% पे हम इसको क्या करते हैं निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वैल्यू ऑफ कोरिलेशन ऑलवेज लाइज बिटवीन, देखिए 1, 2, +1 रहता है, ठीक है, इसमें मैं समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं NRT, ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NRT, NRT का जो इन्होंने फुल फॉर्म पूछा हुआ है तो इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट यहां पर लिख भी दिया है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हु गेव द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, देखिए ये तो पहले साल से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। कॉग्निटिव क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ऑब्वियसली टेक्स ब्लूमर टैक्सोनॉमी में ने दिया था। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं ये कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन इज अ टेक्निक ऑफ एवोल्यूशन, ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, मापन करते हैं, नापते हैं, मेजर करते हैं। तो ये था आपका सारा क्वेश्चन, आई होप के समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उन सारी चीज़ों को मैं आपको समझा दूंगा। और वीडियो थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप इसको शेयर और लाइक भी करें ताकि आपकी वजह से एक शिक्षक की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।